ओके गाइस, फाइनली ग्रीस पहुंच गए हैं. तो हमारा फर्स्ट स्टॉप एथेंस है. जैसे कि कल हम ग्रीस पहुंच गए थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बट आते साथ ही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वीडियोस बनाना तो दूर की बात है, दिमाग अभी तक वहीं अटका पड़ा है कि क्या हुआ है हमारे साथ. आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हमारे साथ टर्की में टैक्सी वाला स्कैम हुआ था. बिल्कुल, मतलब हमने एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हमारे साथ एथेंस में भी हो सकता है, ग्रीस में हो सकता है. मतलब कहीं दूर दूर तक भी दिमाग में नहीं था कि टैक्सी स्कैम यूरोप में इतने ज्यादा प्रेविलेंट है. सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, तो हम लोग पहुंचते हैं एथेंस एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे उतरते ही टैक्सीज ना नंबर वाइज होती हैं, तो हर एक जैसे जैसे आपका नंबर आता है वैसे वैसे आपको टैक्सी मिल जाती है. सो एक टैक्सी वहां पे ऑलरेडी खड़ी थी, हम लोगों को उसने स्पेशली बुलाया कि आ जाओ आपकी टर्न है. हम टैक्सी में बैठ के बहुत आराम से, तो ये बंदा जो था इसको इंग्लिश नहीं आती थी, आई डोंट नो, मतलब वो प्रिटेंड यही करता कि उसको इंग्लिश नहीं आती. सो उसने क्या किया, जस्ट सेम जैसा टर्की में हुआ था कि जिस बंदे ने हमें स्कैम किया था, भाई फोन उठा के ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ कुछ पूछने लग गया हमसे कि कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, आप लोगों के यहाँ पे कोई बंदे हैं, आई मीन यू हैव पीपल हेयर इन ग्रीस. मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने सोचा यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि ग्रीस में आपका कोई बंदा. मैंने कहा हाँ यार हमारे बहुत बंदे हैं. बैठते साथ ही मैंने उसको बताया कि हम लोगों को दीवानी कैरावेल जाना है. सो होटल का नेम उसने पहले दीवानी करने लग गया, उसको समझ आ गया था, बट उसने प्रिटेंड किया कि मुझे समझ नहीं आया. एंड देन हर्ष ने बोला कि तू उसे एग्जैक्ट एड्रेस बता दे कि कहाँ. तो दीवानी जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर होटल है एथेंस का, एंड मैंने उसे बताया एड्रेस. फिर हर्ष ने जैसा बोला मैंने ना एड्रेस उसको निकाल के पूरा दिखाया कि ये एड्रेस है. अभी तक उसने प्रॉपर एड्रेस डाला मुझे ऐसा दिखा. मैंने चेक किया कि स्ट्रीट नेम तो वही था, अलेक्जेंड्रा आई थिंक जहां पे भी होटल था वही स्ट्रीट नेम था. और हर्ष ने ना अपने जीपीएस में भी ऑन किया तो एक दो मिनट का डिफरेंस आ रहा था. इन द मीन टाइम क्या हुआ, हर्ष ने बोला चल अब सही तो जा रहे हैं, उसने अपना जीपीएस बंद कर दिया. मैंने भी कहा बंदा ठीक लग रहा है कोई बात नहीं. अच्छा फिर धीरे धीरे उसने बातें करनी स्टार्ट करी, वही सब पूछना स्टार्ट करा कि अच्छा आपके बंदे हैं, होटल कहाँ है. और फिर ये भी बोला कि होटल बहुत एक्सपेंसिव है मनी. मैंने कहा बहुत वियर्ड लग रहा था, क्यों ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा है. धीरे धीरे हमने बहुत अवॉइड किया कि हम कुछ भी उससे क्वेश्चन पूछे. यूजुअली हम ना जब भी बैठते हैं टैक्सी में तो हम नई जगह के सारे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था तो हमने सोचा जस्ट चक इट. फिर उसने क्या किया, जैसे टर्की में हमारे साथ पहले हुआ था, तो उसने क्या करा कि ड्राइव करते हुए वीडियो कॉल्स अटेंड करने लग गया. मतलब जीपीएस हट गया और वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो गई, और सामने जो कॉल ले रहा था ना वो भी ड्राइव कर रहा था बंदा, और जो सामने कॉल ले रहा था वो ड्राइव कर रहा था. अभी वो आपस में बात कर रहे हैं तो जीपीएस ऑब्वियसली बंद है, तो वहां पे भी थोड़ा फिशी लगा. 31 मिनट्स की राइड थी, 31 मिनट्स ओवर हुए, लोकेशन आ गई, भाई होटल तो वहां है ही नहीं, मिडल ऑफ द स्ट्रीट कुछ नहीं. ऑलरेडी हमारा टैक्सी का बिल 42-45 यूरोस बन चुका था, 40 बन चुका था. और हमें एयरपोर्ट पे उसने पहले बता दिया था, जो इन्फॉर्मेशन होती है हम हमेशा पूछते हैं कि कहाँ जाना है कैसे जाना है. तो उन्होंने कहा दो ऑप्शन है, ट्रेन ले लो या फिर मेट्रो ले लो या फिर आप कार से चले जाओ. तो हमने टैक्सी प्रेफर किया विद अ बेबी, और उन्होंने बताया था 42 यूरोस तक आपका बनेगा, विच शुड हैव बीन गिवन द सर्कमस्टांसेस, बट होटल वहां था ही नहीं. फिर तो उसने क्या किया था कि उसने एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस तो वही डाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी, और वो बार बार पूछ रहा था हर्ष से जीपीएस ओके जीपीएस ओके, और बीच में उसने ना भाई बोला भाई. तो वहां पे भी थोड़ा ऐसा लगा कि इसको ये लैंग्वेज तो आती नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, फिर ये कैसे बोल रहा है. फिर वो थोड़े छोटे से रेड फ्लैग्स थे, पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग फिर हम वहां पहुंच गए. एंड देन ही सेड ओ दीवानी दीवानी ओ माय गॉड, कि हमने एक्सप्लेन करने में शायद गलती कर दी. तो दीवानी, अच्छा आई नो दीवानी. अभी उसने क्या करा, दीवानी डाला. इस टाइम तक तो हमें मेक श्योर हो गया था कि इसको दीवानी कैरावेल पता है. इतना इरिटेट हो चुके थे, इतनी लंबी 13-14 घंटे की फ्लाइट के बाद हम आए, और एकदम बंदे मतलब नोइंगली अनोइंगली कैसे वो हमें अलग जगह पे ले आया. उसके बाद उसकी बातें सुनो आप. भाई मैंने उसको कहा कि तू गलत ले आया है, उसने कहा हाँ दीवानी कैरावेल ओके ओके आई विल टेक यू देयर. तब तक टैक्सी का बिल बन गया था ऑलरेडी 40 यूरोस. फिर उसने ना ऑन रखा, मैंने देखा वहां से 25 मिनट्स और लगेंगे, 30 मिनट्स. मैंने कहा यार ये क्या दिक्कत है, 5 किलोमीटर था बट ट्रैफिक बहुत था. तो उसने, मैंने कहा कि यार आपका बिल तो बन चुका है, कह रहा मैं ऑलरेडी नो प्रॉब्लम यू विल पे द सेम अमाउंट. मैंने कहा फिर बिल टैक्सी का मीटर बंद कर दे, उसने कहा नहीं मीटर नहीं बंद करूंगा क्योंकि दिस इज आई नीड टू शो टू माई बॉस. ये भी कितनी वियर्ड बात थी. मैंने कहा चल ठीक है ठीक है. फिर हम चले गए, उस टाइम मैंने मैप भी ऑन कर लिया. 25 मिनट बाद हम होटल पहुंच गए. उस टाइम तक हमें मेक श्योर हो गया था कि हमारे साथ बहुत बड़ा पोपट हो गया, हमारा स्कैम हो चुका है, बट उसके आगे इतना और कुछ होने वाला है वो तो मेरे भाई इमेजिन भी नहीं किया था.
और फिर हम लोग फाइनली होटल पहुंच गए 100 meters से ऑलमोस्ट होटल पहुंच गए थे. वहां पे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ था दीवानी कैरावल होटल. उसने ना हमें 100 meters पहले रोक दिया. मैंने कहा होटल तो आगे, होटल ऐसा होता ना कि लॉबी आप ऊपर चढ़ के जाते हो वहां पे ड्रॉप करते हो. कह रहा नो यहीं पर ही, यहीं पर ही. मैंने कहा क्यों, व्हाई? उसने कुछ नहीं सुना, गाड़ी से बाहर निकला, डिक्की से बैग निकाला और रोड पे खड़ा रख दिया भाई. भाई हम लोग मतलब बेबी हमारे साथ, इतना लगेज हमारे साथ, इतनी लंबी फ्लाइट करके आए हैं और होटल नहीं ड्रॉप कर रहा, लॉबी तक अंदर मतलब बाहर 100 meters पहले रोक दिया. वहां से मुझे होटल दिख रहा है. हर्ष बार बार उसे बोल रहा है कि भाई वहां होटल लेके चल. बंदा सुन ही नहीं रहा, प्रिटेंड करा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा. रुक गया बीच रोड में, उसने बैग निकाल दिया. मेरे को इतना हर्ष भी एडमेंट कह रहा है मैं तो नहीं उतरूंगा, तू गाड़ी में बैठ और वहीं रख और तू चल. और फिर भी उसकी ऑडेसिटी ट्रांसलेट कर रहा, कह रहा यू नीड टू पे 85 euros. हाँ, और मैंने बिल देखा था 50 euros बिल बना था. मैंने कहा 50 पे कर देते, 50 euros बना हुआ था मीटर पे और कह रहा 85 euros. और भाई की एक्सप्लेनेशन क्या थी, 85 euros क्यों, 50 euros तो आपका बिल बने, 35 euros आपको वेटिंग चार्जेस. मैं आपका वेट कर रहा था टैक्सी के लिए एयरपोर्ट पे, प्लस लगेज. ये पहली बार उसे लग रहा था शायद हम पहली बार शायद घूमने निकले हैं, उसको बंदे गलत टकरा गए, क्योंकि हमने बनाई उसकी वीडियो और उसकी फोटोज और हमने शेयर कर दी होटल वालों के साथ भी, हर जगह टैक्सी जो जिन पे हमने ट्रैवल करा वो तो बहुत बाद में हुआ. अच्छा, सबसे मेन पॉइंट पे आती हूँ. होटल से पहले रोक दिया, फिर हर्ष एडमेंट हो गया. उसने क्या करा, अब उसे पता लग गया कि एडमेंट हो गया, हम तो उतरने नहीं वाले. वो उसने 100 meters आगे लिया. हर्ष ने बोला लॉबी ऊपर की साइड ले, नहीं लिया बंदे ने, नीचे स्ट्रीट पे रोक दिया. सामने थे होटल वाला कॉन्सियर्ज, मैंने बुला लिया भाई. हर्ष ने ना कॉल कर दिया कि तुम आओ और देखो ये क्या कर रहा है. पहले मैंने पता क्या, मैंने पहले सारा सामान बाहर कराया. प्रेरणा को मैंने कहा प्रेरणा तू निकल और तू होटल की तरफ जा आगे. और उन कॉन्सियर्ज वालों को मैंने बुला लिया, सारा सामान निकाल लिया, बेबी को निकाल लिया. मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको सारी बात बताई. मैंने कहा ये क्या कर रहा है, देखो पैसे क्या मांग रहा है भाई. उसी टाइम ना कॉन्सियर्ज टीम का बंदा आया और उसने उसकी जो बैंड बजाई, उसको भी समझ आ गया था कि पूरा स्कैम चल रहा है और ये सोच रहा है कि ये लोग मतलब आए हैं घूमने फिरने तो हम इनको स्कैम कर लेते हैं. बट उसने फिर उससे बहुत बातचीत करी और बंदा बहुत अच्छा था दीवानी कैरावेल का, जिसने एक्चुअल में हमारी हेल्प करी. और मेरा तो मतलब यार सच बताऊं ऑलरेडी स्ट्रेस इतना हो गया था क्योंकि हम इतना ट्रैवल करके आए थे, ऊपर से भाई वो हमें अलग जगह घुमा रहा है और फिर फालतू चीजें डिमांड कर रहा है. मतलब मीटर पे 50 बना था, हम 50 भी देते थे उसे, हमने देने ही थे. बट वो बंदा मतलब इतना शेमलेस था, उसने 85 euros हमसे मांगे बेफजूल के, ऊपर से इतना इरिटेट, हमारा टाइम वेस्ट किया. ऊपर से वो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये करता होगा, इसीलिए मैं उसकी फोटोज, उसके सारे टैक्सी नंबर सब अटैच कर रही हूं ताकि वो दोबारा किसी को स्कैम ना कर सके. इट्स रियली बैड, ये जो टैक्सी स्कैम्स चल रहे हैं, हम सबको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, स्पेशली हम जब ट्रैवल करते हैं. बेबी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं यार, मतलब लोगों को एट द एंड हम